नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जी हाँ, जीवन में कभी कभी छोटे बच्चे भी हमें वो सिखा देते हैं जो बड़े बड़े लोग हमें सिखा नहीं पाते पूरे जीवन में। जी हाँ, आज की कहानी इसी विषय पर आधारित है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, एक राजा कहीं पे जा रहे थे। रास्ते में जाते हुए उन्होंने एक बच्चे को देखा। ये बच्चा बार बार मिट्टी से एक गुड्डा बनाता, इंसान की जैसी एक शेप बनाता और उसके कान में कुछ कहता और फिर उसको तोड़ देता, फिर उसको मिट्टी में मिक्स कर देता, मिला देता, फिर वापस बनाता, फिर वही करता। राजा अपने रथ पे बैठे हुए ये सब देख रहे थे। राजा ने सोचा, ये बच्चा करता क्या है, इसके कान में कुछ बोलता है और फिर इसकी मूर्ति को तोड़ देता है, फिर वही काम करता है। ऐसा देख के राजा से रहा नहीं गया और वो उस बच्चे के पास गए। उन्होंने बोला कि बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो, ये इतनी देर से तुम एक छोटा सा पुतला बनाते हो इंसान जैसा और उसको फिर तोड़ देते हो, उसके कान में भी कुछ कहते हो फिर उसको तोड़ देते हो, करते क्या हो ये। उस छोटे से बच्चे ने, बालक ने कहा कि मैं ये पुतला बनाता हूं और इसके कान में बोलता हूं, राम राम बोल, भगवान राम का नाम ले, राम राम जपेगा तेरा तभी कुछ होगा, ये राम राम जपता नहीं मैं इसको तोड़ देता हूं। राजा ये देख के बड़ा हैरान हुआ कि इतना छोटा सा बच्चा इतना ज्ञानी है, इतने परमात्मा में विश्वास है, इतना परमात्मा का नाम लेना चाहता है। राजा ने कहा कि तुम इतने प्यारे बालक हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें राजमहल में रखूंगा और तुम्हें सारी सुविधाएं दूंगा, तुम खूब राम नाम किया करना। बच्चे ने कहा कि मेरी चार शर्त हैं, अगर ये आप चार शर्त पूरी कर देंगे तो मैं आपके साथ चलने को बिल्कुल तैयार हूं। बोले, क्या वो चार शर्त कौन सी हैं? तो बच्चे ने बोला, मेरी पहली शर्त है कि जब मैं सोऊंगा तो आप जागेंगे। बोले, अच्छा, दूसरी शर्त? बोले, दूसरी शर्त यह है कि जब मैं खाऊंगा तो आप नहीं खाएंगे। बोले, अच्छा, दूसरी शर्त? तीसरी शर्त क्या है? बोला कि जब मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो अपने आप सारे काम छोड़ के मेरे पास आ जाएंगे। बोले, अच्छा, ठीक है। बोला, जब मैं कपड़े पहनूंगा तो आप नग्न रहेंगे, आप कपड़े नहीं पहनेंगे। राजा ने बोला, भला कोई ऐसी शर्त निभा सकता है क्या? तुम्हें एक तो राजमहल में लेके जाऊं, ऊपर से नग्न घूमूं, भोजन ना करूं, सोऊं भी ना, और जब तुम्हें जरूरत पड़े तब मैं आ जाऊं तुम्हारे पास, ऐसा कभी हो सकता है? कोई ऐसा तुम्हारे लिए कर सकता है? बोले, जी हाँ, मेरे राम, मेरे परमात्मा मेरे लिए यही तो करते हैं। जब मैं खाता हूं वो मुझे निहारते रहते हैं, वो मुझे देखते रहते हैं और वो कुछ नहीं खाते। जब मैं कपड़े पहनता हूं तो वो नग्न ऐसे बैठे रहते हैं और वो मुझे कपड़े पहने देख के बहुत खुश होते हैं, और जब मुझे जरूरत पड़ती है वो झट से मेरे पास आ जाते हैं। जब मैं सोता हूं तो मुझे याद भी नहीं होता कि मैंने सांस लिया या नहीं लिया, पूरी रात मेरे तकिए के पास बैठ के मुझे श्वास देते रहते हैं। जी हाँ, ऐसा ही तो है वो परमात्मा जो हमारा हर पल हर घड़ी ख्याल रखते हैं। ना ही सिर्फ परमात्मा, परमात्मा के रूप सदगुरु भी हमारे जीवन में यही कार्य करते हैं, हर समय हमारी संभाल करते हैं। कभी कभी छोटे बच्चे भी ऐसी बात बता देते हैं जो हमारे को जीवन भर समझने में बहुत समय लग जाता है। हमें चाहिए कि जीवन में उस परमात्मा को हमेशा हाजिर नाजिर जान के जीवन को जिए और उनके द्वारा जो नियामतें हमें मिली हुई हैं, जैसे ये स्वस्थ शरीर, ये काया, जीवन में ये श्वास, ये पल, ये ज्ञान, इन सारी चीजों को उनके प्रति समर्पित कर दें। कहानी आपको कैसे लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस कहानी को जब पहुंचाते हैं, मुझे मालूम है कि आप इसको व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर शेयर करते हैं। जब आप इसको शेयर करते हैं तो सिटी वेब का नहीं, पूरी मानव जाति का कल्याण होता है, क्योंकि खराब चीजें शेयर करने से क्या फायदा, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी का नुकसान कर दिया, ये भी तो हम शेयर करते हैं ना। तो बजाय नेगेटिव चीज को शेयर करने के, अगर हम कोई पॉजिटिव विचार शेयर करेंगे तो न जाने कितने लोगों के दिलों में जो अग्नि जल रही है वो अग्नि शांत होगी। इस कहानी को, इन विचारों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए नमस्कार।